बैगन लिए हुए हैं, 5-6 बैगन लिए हुए हैं यहाँ पे, हरी धनिया, 3-4 टमाटर हैं यहाँ पे, थोड़ी सी हरी मिर्च लिए हुए हैं यहाँ पे। हमने लहसुन अदरक को उतार कर छिलके रख लिए हैं, इसको पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर लिए हुए हैं अदौड़ी, यहाँ पर अदौड़ी बैगन और टमाटर धनिया के सब्जी बनाएंगे। तो हमारे वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पे 250 ग्राम उड़द के दाल ले लिए हैं, इसको हम दाल बनाएंगे। तो हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। हमने बैगन को पीस पीस में काट लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मोटा ही रहने देते हैं। हमने दाल बनाने के लिए कुकर में 250 पानी ले लिए है, गैस को ऑन कर देते हैं। ने दाल में सभी मसाले को ले लेते हैं थोड़ी थोड़ी। तो देखिए दोस्तों, ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर हमने ले लिए। हमने स्वाद अनुसार नमक ले लिए हैं, डाल लेते हैं इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिए, डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, हमने हमारा पानी गर्म हो चुका है, हम इसमें डाल देते हैं दाल को। अब ढक, कढ़ाई गर्म हो चुका है तो हम इसमें डालते हैं थोड़ा सरसों तेल, हम इसमें डाल देते हैं अदौड़ी, इसे हम भूनेंगे। अदौड़ी भून चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। कितना सुंदर इसका, इससे इसमें से खुशबू आ रहा है, बहुत अदौड़ी टेस्टी लगता है अदौड़ी पालक की सब्जी। तो हमारे यहाँ तो पालक नहीं मिलते हैं, बहुत सारे कम मिलते हैं, तो हमने धनिया पत्ता डाल देते हैं। हमें सरसों तेल डाल देते हैं, अब इसमें डाल देते हैं 5 फोरन, इसमें डाल देते हैं 5 फोरन, दो लाल मिर्च डाल देते हैं फोरन के लिए। हरी मिर्च को अपने हाथों से तोड़ लिए थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा टुकड़ा, तो इसमें हम डाल देते हैं फोरन के लिए। फोरन चटक चुका है, इसमें डाल देते हैं हम बैगन। देखिए दोस्तों, हमें डाल देते हैं हरी धनिया जो कटर के हमने रखे हैं, अल्लाह यहाँ पे टमाटर हमने काट कर रख लिए हैं, इसको भी डाल देते हैं। हमने मसाले डाल रहे हैं, देखिए हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अदौड़ी को भून कर रखे हैं, उसको भी इसमें डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, आज इस समय बारिश का समय है, तो मतलब बारिश नहीं मिल रहा है, पालक नहीं मिल रहा है, तो हमने हरी धनिया डाले हैं पालक की जगह पर, तो बहुत टेस्टी हमारे सब्जी बनकर तैयार होगा। हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ढेर सारा शेयर करें दोस्तों, ताकि आप लोग कृपा से हम आगे बढ़ें। तो 1 चम्मच हम मीट मसाला इसमें डाल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी ले लिए, कसूरी मेथी से बहुत सुंदर इसका स्वाद आता है, हाथ से मसल के डाल देते हैं। डालकर इसमें मिला लेते हैं सभी मसाले को, देखते हैं अब हमारा दाल पक चुका है कि नहीं।
तो देखिए दोस्तों हमारा दाल अब पक चुका है, इसे हम उतार लेते हैं। दाल में तड़का लगाने के लिए हमने लहसुन को दो कली छील ली है। इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं, दो एक हरी मिर्च बारीक बारीक तोड़ लिए, दो तीन टुकड़ा इसमें डाल देते हैं। सरसों तेल हम इसे दाल में तड़का लगाएंगे। फोरन ये जल चुका है, कितना खुशबू इसमें से आ रहा है, सोन लहसुन महक रहा है। अब हम दाल में तड़के लगाएंगे। सब्जी को चेक कर लेते हैं पक चुका है कि नहीं। देखिए दोस्तों अब हमारा सब्जी बनकर रेडी हो चुका है, तो इसे मैं उतार लेती हूँ। मक्की को मिक्सी जार में इसे पीस लेते हैं। थोड़ा दरदरे ही पीसेंगे, थोड़ा मोटे ही में इसको भात बनाना है। हमने मक्की को चेक कर लेते हैं पिसाया हुआ कि नहीं। तो देखिए दोस्तों अभी तो नहीं पिसाया है, थोड़ा सा और पीसेंगे। हमने मक्की को पीस ली है मिक्सी जार में, अब इसे हम भात बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों गरम हो चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं मकई को जो पीस को रखे हैं, इसे हम भात बनाएंगे। तो देखते हैं, चेक कर लेते हैं भात बनकर तैयार हुआ है कि नहीं मक्की को। देखिए दोस्तों थोड़ा सा और पक जाएगा तो तैयार हो जाएगा, तो इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी, एक चम्मच डाल देते हैं। इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी देसी घी, इसको मिला लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा मक्की के भात बनकर तैयार हुआ है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों अब हमारा मक्की के भात बनकर रेडी हो चुका है, अब इसे हम उतार लेते हैं, गैस को ऑफ कर देते हैं। चलिए दोस्तों कटोरे में दाल निकाल लेते हैं, उड़द दाल बनाए हैं उसको निकाल लेते हैं कटोरे में, आप लोगों को दिखाएंगे परोस कर। तो यहाँ पे हमने सब्जी निकाल लिए हैं, बैंगन टमाटर धनिया पत्ता अदौड़ी के हमने बनाए हैं सब्जी, मक्की के भात बनाए हैं यहाँ पे, तो हमने आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा ये खाना बनकर रेडी हो चुका है। तो हमने हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।